Hello everyone, good morning. I hope you're doing good. Yeah, I hope your health is all fine. So today we'll start with a bit of recap. Last class mein humne yahan se shuruaat ki thi, inelastic collision. So inelastic collision, the internal energy changes after collision. So in one sense I can say there is energy loss. ठीक है. So this is an example of inelastic collision. ठीक है, फिर हमने देखा कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे. दो इक्वेशन है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. इसको ये इक्वेशन को है, ये जो यू नो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के इक्वेशन को न्यूटन्स फॉर्मूला ऑफ इंपैक्ट भी कहते हैं. ठीक है, दिस इज ऑल्सो सेड टू बी न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर इंपैक्ट क्यू. Yes, collision is a type of impact. जैसे ही collision होता है, there is large amount of force it develops, for a short amount of time, जो कि होता है जो normal reaction force होता है उसमें. तो कहाँ दिखा है मैंने? I might have shown that kind of force after impact. हाँ, ये देखो, ये F1 to F2 one, ये क्या है? ये impact force है. ठीक है? Okay. So coming back to inelastic collision, कहा गया हाँ. तो ये दोनों चीजें हम लोग यूज करके इसको सॉल्व करते थे. ठीक है, फिर हमने देखा कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता है E इज 1, इट इज इक्वल टू 1 फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. इट इज बिटवीन 0 to 1, वेयर 0 and 1 आर नॉट इंक्लूसिव इन इनइलास्टिक और नॉन इलास्टिक कोलिजन. ठीक है, तो इसमें देखो E की वैल्यू होगी 0 से 1 के बीच में, लेकिन 1 और 0 ये वैल्यू नहीं होगी. ठीक है, फॉर इनइलास्टिक जैसे ही वैल्यू 0 हो जाती है E की, इट बिकम्स परफेक्टली इनइलास्टिक, और जैसे ही वैल्यू 1 हो जाती है, इट बिकम्स परफेक्टली इलास्टिक. ओके, सो लेट्स मेक अ बॉक्स फॉर इट. ये जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. ओके फाइन. तो हाँ, उसके बाद हमने किया परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. राइट, सो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में हमें एक चीज समझी कि ये जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, सो इट इज लाइक आफ्टर कोलिजन इट इज इक्वल फॉर 1 and 2. ठीक है, सो वी इज इक्वल टू वी वन इज इक्वल टू वी टू. तो इसके लिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का इक्वेशन ऐसा बनता है जिसमें एक वी कॉमन है. ठीक है, फिर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया. ठीक है, मैंने आपको दिखाया कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं व्हेन तीनों केसेस के लिए, परफेक्टली इलास्टिक, इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक, तीनों केसेस के लिए हमने ये सब क्वेश्चन सॉल्व किया. ठीक है, तो मैंने आपको बताया कैसे सॉल्व कर सकते हैं. पहले तो एक बेसिक चीज है कि दो अननोन है, हमको V1 V2 फाइंड आउट करना है. दो अननोन है तो दो इक्वेशंस चाहिए जिसको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं. दो इक्वेशंस चाहिए और हमारे पास दो फॉर्मूले से, एक तो है E का जो मैंने अभी कहा न्यूटन्स फॉर्मूला और इम्पैक्ट, दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. ठीक है, फिर मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था. ठीक है, ये हम देखेंगे इसका आंसर भी. ठीक है, तो हाँ, तो यहाँ पे रेस्ट ऑफ दी टाइप सॉल्व किया हमने. फिर हमने एक दूसरा क्वेश्चन लिया. ठीक है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बस इसमें हमें क्या डिफरेंट था, ये जो डायरेक्शन है वेलोसिटी, सो कहाँ पे हमको प्लस लेना है, कहाँ पे माइनस लेना है, ये पार्ट क्लियर हुआ. ठीक है, सो यहाँ पे U2 था -10. ठीक है, हमने लिया बिकॉज इट्स डायरेक्शन इज इन लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, एंड बाकी के दो जो सब पार्ट्स है क्वेश्चन के 2 और 3, ये मैंने होमवर्क के लिए दिए थे. ठीक है, आई होप यू डिड इट वेल. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड इट ऑल्सो, बट स्टिल विल सॉल्व इट. ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन करते हैं होमवर्क का. ये वाला तो देखो, ये क्वेश्चन में है वेलोसिटीज दी है एक ही डायरेक्शन में. ठीक है, दोनों लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं.
और ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, ये कोलिजन का क्वेश्चन नहीं है, ये लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन नहीं है, ये मैकेनिक्स का क्वेश्चन नहीं है, फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन है कॉमन सेंस का। उन्होंने कहा है कि यू नो इफ कोलिजन इज इन इलास्टिक, ठीक है, सो इफ कोलिजन हैपेंस तो फिर फाइनल स्पीड ऑफ द ब्लॉक क्या है। ठीक है, तो पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि कोलिजन होने वाला नहीं होने वाला। ठीक है, देखो ये ब्लॉक, ये जो मास है इट इज ट्रैवलिंग विद 10 मीटर्स पर सेकेंड, दिस मास इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द सेम डायरेक्शन 5 मीटर्स पर सेकेंड, सो कोई चांस ही नहीं कोलिजन होने का, बिकॉज दिस यू नो मास इज फास्टर एंड दिस इज स्लोअर, सो दिस विल नेवर रीच दिस मास, तो कोलिजन का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो क्या होगी फाइनल वेलोसिटी, वन की फाइनल वेलोसिटी होगी वही सेम 10 मीटर्स पर सेकेंड, और टू की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस क्वेश्चन था, इसमें कोलिजन होने ही वाला नहीं है। ठीक है, तो इन इलास्टिक इलास्टिक इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, ऐसे ही कॉमन सेंस क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, आपको कभी यू नो इंटरव्यूज में पूछ सकते हैं, SSBs में वगैरह। जैसे मान लो मैं अभी आपसे पूछता हूँ कि 5 + 5 / 5 कितने होते हैं, ये मैं आपको लिख रहा हूँ, इसके लिए आपको शायद अंदाजा आ गया होगा, लेकिन अगर किसी ने आपको ओरली पूछ दिया तो जनरली बच्चे इसका आंसर देते हैं 2। ठीक है, जो कि गलत है, इसका आंसर है 6। अपने बचपन में बोर्ड मार्क्स सीखा होगा, ये चीज पहले सॉल्व करनी होती है। ठीक है, तो ऐसे बेसिक लॉजिक क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो ये का क्वेश्चन था, हाँ ये चीज, तो इसमें देखो दोनों मास दिए 2 kg 4 kg, एक के डायरेक्शन है राइट हैंड साइड पे 10 मीटर्स पर सेकेंड, दूसरा है -10 मीटर्स पर सेकेंड वेलोसिटी, और अपने को पूछा है इसमें देखो ये कोलिजन इफ इन इलास्टिक मतलब E इज इक्वल टू 0.5 है, तो फाइनल वेलोसिटीज अपने को फाइंड आउट करनी। तो चलो बनाते हैं क्वेश्चन, पहले थोड़ी स्पेस बनाते हैं। तो हमें क्या दिया है, अब पहले हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का इक्वेशन लिख देते हैं। क्या होता है ये m1u1 + m2u2 इज इक्वल टू m1v1 + m2v2। ओके, तो मास वन है 2, u1 है 10, मास टू है 4, u2 है -10, m1 है, ये सेम ही होगा इक्वेशन, देखो तीनों कोई भी केस रहे तो ये जो इक्वेशन है ना ये सेम ही होगा, तो डायरेक्टली लेते हैं, हर बार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या इक्वेशन है ये, देखो ये है 2v1 + 4v2 इज इक्वल टू -20। ओके, 2v1 + 4v2 इज इक्वल टू -20। ठीक है, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं, 2v1 + 4v2 इज इक्वल टू -20। दूसरा हम अभी अप्लाई करेंगे क्या, न्यूटन्स फॉर्मूला ऑफ इंपैक्ट, न्यूटन्स फॉर्मूला ऑफ इंपैक्ट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू -P1 - P2 / U1 - U2। E क्या दिया है 0.5, -V1 V2 अननोन है। ठीक है, U1 क्या है 10,
U2 क्या है, माइनस 10, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन पता है हमें लेफ्ट हैंड साइड, इसलिए माइनस ले रहा। तो कितना होगा ये देखो, 0.5 यहाँ पे लिखूंगा मैं वी टू माइनस वी वन अपॉन, ये कितना है, ये जाएगा 20। सो वी टू माइनस वी वन कितना होगा, 20 का आधा मतलब 10 हो जाएगा ये। तो ये देखो, ये है पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, क्या करें अभी इसको, एक काम करेंगे इसको 2 से डिवाइड कर देते, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 2 निकल जाएगा, ये हो जाएगा 2, 2 टाइम्स, ये होगा 2 10 टाइम्स, ठीक है, तो ये बनेगा वी वन प्लस 2 वी टू माइनस इज इक्वल टू माइनस 10, और फिर विल एड इक्वेशन 1 एंड 2। कुछ नहीं किया मैंने, देखो मुझे सिर्फ क्या करना था, ये दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करना था, तो दोनों में से मुझे एक वेरिएबल कैंसिल आउट करना है। अभी कैंसिल आउट करना है, यहाँ पे वी जो है ये माइनस वी है और यहाँ पे प्लस वी है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा जब मैं ऐड करूंगा, ठीक है। तो इतना आप लोग ने अभी तक सीखना चाहिए, बिकॉज यू आर इन 11th क्लास नाउ, सो आई होप यू नो दीज थिंग्स। सो इट बिकम्स वी वन प्लस 2 टाइम्स वी टू इज इक्वल टू माइनस 10, ये है पहला इक्वेशन, और ये दूसरा जो है वी टू माइनस वी वन इज इक्वल टू 10, कितना होगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ऐड कर रहे हैं हम लोग, ये हो जाएगा 3 वी टू इज इक्वल टू 0, सो वी टू 0 आ गया, ये कुछ अजीब आ रहा है। एक बार क्रॉस चेक करते, ठीक है, शायद कुछ गड़बड़ की है हमने, वैसे हो सकता है वेलोसिटी जीरो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मुझे थोड़ा सा सस्पिशियस लग रहा है, ठीक है, ये तो सही है, वी वन प्लस टू वी टू इज इक्वल टू माइनस 10, ये तो सही है, चेक ये करना पड़ेगा, ठीक है, ये क्या है, 10 माइनस 10.5, ये वो 20, हाँ 20 आ जाएगा तो बनेगा 10, और इसके हमने साइन चेंज कर ली, ये सही है मेरे ख्याल से, अगर हम साइन नहीं चेंज करते थे तो क्या होता था, देखो माइनस 10 इज इक्वल टू वी वन माइनस वी टू, और दूसरा इक्वेशन है हमारा माइनस 10 इज इक्वल टू वी वन प्लस टू वी टू, तो इसको माइनस करना पड़ता था, ठीक है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करते थे तो हो जाता था प्लस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाता था, एंड अगेन 3 वी टू इज इक्वल टू 0, इसका मतलब वी टू 0 ही है, ठीक है, ये राइट है, वी टू 0 आएगा, ओके, वी टू 0 आ गया, मतलब वी वन कितना आएगा, देखो यहाँ पे वी टू 0 डाल दोगे तो माइनस वी वन इज इक्वल टू 10, सो वी वन इज इक्वल टू माइनस 10, माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब वी वन कौन सी तरफ जाएगा, मतलब देखो ये जो बॉल है ना, ये दोनों आ रहे ऐसे, ठीक है, कोलिजन होने के बाद है ना, नीचे जाओ, गए गए थोड़ा सा, ठीक है, कोलिजन होने के बाद है ना क्या होगा, ये जो 2 है ये रुक जाएगा वहीं पे, ठीक है, और वी वन जो है ना इट विल स्टार्ट ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, माइनस 10 मीटर्स पर सेकेंड, सो इन दिस डायरेक्शन 10 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, तो ये होगा अगर कोलिजन इन इलास्टिक रहा तो। नाउ विल चेक फॉर इफ द कोलिजन इज व्हाट, परफेक्टली इन इलास्टिक, ये अगर जीरो होता है तो, ठीक है, अगेन बाय अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, देखो इससे क्या आता है कंक्लूजन हमें पता है, लेकिन फिर भी एक बार फॉर्मूला लिखते हैं सो दैट याद हो जाए,
m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. कंक्लूजन क्या था इससे? 2v1 प्लस 4v2 इज इक्वल टू -20. फिर आता है v1 प्लस 2v2 इज इक्वल टू -10. ठीक है, ये है इक्वेशन 1. फिर हम अप्लाई करेंगे न्यूटन्स फॉर्मूला ऑफ इंपैक्ट. ठीक है, ये फॉर्मूला क्या है? इज इक्वल टू -v1 -v2 अपॉन u1 -u2. ठीक है, तो e है फॉर परफेक्टली इनास्टिक, क्या होता है? जीरो होता है. सो अगर e जीरो है, -v1 -v2 अपॉन u1 -u2, तो क्या कंक्लूजन होगा? That b1 is equal to v2. ठीक है, तो सिंपली हमें, यू नो, इफ दिस इज द सेकंड इक्वेशन, व्हाट वी हैव टू डू, जो पहला इक्वेशन था कौन सा? v1 प्लस 2v2 इज इक्वल टू माइनस, क्या था? 10 था, 10 10 ही था ना, -10. आई होप दिस इज राइट. -10. ठीक है, सो इसमें हमें सर v1 के जगह पे v2 डालना है या v2 जगह पे v1 डालना है? ठीक है, तो v2 की जगह पे कुछ भी डालो, हमें क्या मिलेगा? 3v2 इज इक्वल टू -10. सो v2 इज इक्वल टू -10/3, विच इज ऑल्सो इक्वल टू v1. ठीक है, तो ये आंसर मिलेगा इफ द कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक. ओके, मीटर्स पर सेकंड लिखना है, ये भूलना नहीं है. तो इसमें क्या होगा, देखो, आफ्टर कोलिजन, पहले तो बिफोर कोलिजन दोनों मासेस जो है ऐसे ट्रैवल कर रहे थे. आफ्टर कोलिजन कौन से डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे दोनों मासेस? सॉरी, ऐसे नहीं, चिपक के जाएंगे. ठीक है, ये चिपके हुए होंगे और दोनों ट्रैवल करेंगे इन दिस डायरेक्शन विथ 10/3 मीटर्स पर सेकेंड. ओके, सो आई गेस विद दिस हमारा होमवर्क खत्म हो जाता है और आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं. ठीक है, सो लेट्स राइट द डेट. टॉपिक है आज का ऑब्लिक कोलिजन, और डेट है 25th September 2020. ठीक है, तो ऑब्लिक कोलिजन क्या होता है? देखो, ऑब्लिक ये वर्ड का सिंपल मीनिंग है कि इट इज neither parallel nor perpendicular. ठीक है, अभी इसका क्या मतलब है? देखो, ये दोनों मास है. ठीक है, तो ये ऐसे सीधा सीधा कोलाइड नहीं होंगे. ठीक है, कि ये परपेंडिकुलर जा रहे, पैरेलल जा रहे, इसके वेलोसिटी जो है ऐसे कोलाइड नहीं होंगे. बट कैसे कोलाइड होंगे? कि कुछ नीदर पर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर का एक ही मतलब होता है कि क्या है, इंक्लाइंड है इसके वेलोसिटीज. ठीक है, इंक्लाइंड है इसका मतलब क्या? देखो, मैं ड्रॉ करता हूं. अरे, यह मास वन, यह मास टू. ठीक है,
और ये जा रहा है इस तरफ, ठीक है, सी वेलोसिटी यू वन, ठीक है, ये है मास वन, इसको बोलते हैं हम, ये ऑब्जेक्ट है ये बोलते हैं, ये है मास टू, ये जा रहा है थोड़ा ऐसा है, ठीक है, दिस इज यू टू, थोड़ा वेलोसिटीज और स्ट्रेट बनाते हैं। दिस इज यू वन एंड दिस इज यू टू। हाँ कुछ भी करो स्ट्रेट ही नहीं आ रही। ठीक है हम भी थोड़ा दिमाग लगाएंगे। आज तो स्ट्रेट हम बनाएंगे इसको। ठीक है ओके सो दिस इज यू टू ना बन गई स्ट्रेट। ओके तो है ये यू वन ये है यू टू और यू नो दिस इज एट एन एंगल ऑफ थीटा टू एंड दिस इज एट एन एंगल ऑफ थीटा वन। ठीक है तो अभी देखो ये जो दो बॉडीज है यू नो ये दोनों कोलाइड होंगी। ठीक है कैसे होंगी कोलाइड देखते हैं। बट एक चीज मैं कह सकता हूं कि ये दोनों बॉडीज जो है ना दे आर इन रैंडम डायरेक्शन। ठीक है सो दिस इज वन पॉइंट आई वुड लाइक टू नोट दैट बोथ बॉडीज आर ट्रैवलिंग इन टू रैंडम डायरेक्शंस फॉर कोलिजन। ठीक है तो इतना तो समझ में आ गया आपको कि ऑब्लिक कोलिजन कैसे होता है कब होता है कि जब यू नो हम लोग 2D में नहीं थोड़ा सा क्या कहते हैं हम लोग 3D में जा रहे हैं कि ये इंक्लाइंड है या फिर 1D नहीं है 2D है थोड़ा। ठीक है अभी इसमें देखो एंगल्स आएंगे। ठीक है कोऑर्डिनेट सिस्टम आएगी क्योंकि यू नो दिस इज इंक्लाइंड दिस इज नॉट जस्ट आर कन्वेंशनल यू नो कोलिजन। ठीक है तो इसमें अगर हमको देखना है कि कोलिजन यू नो कैसे हो रहा है तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा देखो। हर एक मास के लिए हम लोग क्या करेंगे उसके फोर्स के कंपोनेंट ढूंढेंगे। ठीक है तो ये ऐसा इंक्लाइंड है तो इसका एक कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसके वेलोसिटी का और एक कंपोनेंट होगा वर्टिकल। ठीक है ये दूसरा मास है इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है ये U1 था ये मास M1 है ऑब्जेक्ट A है और ये थीटा वन था यहाँ पे एंगल इट वॉज एट थीटा वन। ठीक है तो मैंने आपको सिखाया था कि कंपोनेंट्स फाइंड करते समय कि ये जो U1 है इसका अगर कंपोनेंट अलोंग दिस थीटा आपको फाइंड आउट करना है तो क्या आता है ये होगा U1 कॉस थीटा। हमने प्रूव भी किया था। ठीक है लास्ट क्वेश्चन में वैसे ही ये क्या होगा सेम U2 कॉस थीटा 2। ठीक है और ये है थीटा 1। ठीक है थीटा का 2 जरा सा ये थीटा 2। ओके तो अगर ये थीटा है तो अगर हमें वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है सो विच इज लाइक परपेंडिकुलर टू द कॉस थीटा तो क्या होता है ये U1
साइन थीटा वन, वैसे ये क्या होगा, यू टू साइन थीटा टू, ठीक है। तो इसके हमने कंपोनेंट्स तो निकाल दिए, तो अभी देखो ये वर्टिकल डायरेक्शन में कोलाइड होगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन डायरेक्शन में दोनों पैरेलल है, नो वेलोसिटीज आर पैरेलल, तो शायद ही इनफाइनाइट डिस्टेंस जाने के बाद कभी कोलाइड हो सकता है, लेकिन वैसे तो पॉसिबिलिटी नहीं है कोलाइड होने की, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोलाइड होने के चांसेस है। कब हो सकता है, जैसे हमने अभी जस्ट एक कॉमन सेंस एग्जाम्पल देखा कि अगर ये जो वेलोसिटी है ना यू टू कॉस थीटा टू, ये अगर इससे यू वन कॉस थीटा वन से कम होगी, ठीक है, तभी कोलाइड हो सकता है, देन ओनली दिस मास वन विल बी एबल टू कैच अप विथ मास टू, ओके, विथ ऑब्जेक्ट बी, ठीक है। तो क्या कंडीशन है, कंडीशन फॉर कोलिजन इज दैट यू टू कॉस थीटा टू शुड बी लेस देन यू वन कॉस थीटा वन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, ओके। और अभी देखो ये कोलाइड होने वाले है किस डायरेक्शन में, किस एक्सिस में, एक्स एक्सिस में, ठीक है, अलोंग दी हॉरिजॉन्टल, राइट। तो अलोंग दी हॉरिजॉन्टल कोलाइड होने वाले है, तो इम्पल्सिव फोर्स कहाँ पे जनरेट होगा, इट विल बी अलोंग दी हॉरिजॉन्टल, तो मार्क दिस इम्पल्सिव फोर्स इन रेड, ठीक है, ऐसा कुछ होगा, फोर्स ऑन ए बिकॉज ऑफ बी, ठीक है, इन दिस डायरेक्शन, एंड फोर्स ऑन बी बिकॉज ऑफ ए इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस होंगे, ये मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट है, ठीक है। तो ये इंपैक्ट फोर्सेस होंगे, ठीक है, जैसे कोलाइड होंगे दिस विल बी द नॉर्मल इंपैक्ट फोर्स, ठीक है, दिस विल बी अ नॉर्मल कपल जो कि इक्वल एंड ऑपोजिट है। एंड वन मोर थिंग कि ये जो नॉर्मल इंपैक्ट फोर्सेस है, मैं यहाँ लिख देता हूँ एफ पी ए इक्वल टू एफ ए बी, ये दोनों यू नो आई हैव रिटन ए एंड बी यहाँ पे जो इंडिकेट कर रहा है दैट बोथ आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बी ए लिखा है, यहाँ पे ए भी लिखा है, तो डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। सो दीज आर व्हाट इंटरनल, या फिर लिख सकता हूं मैं इंपैक्ट फोर्सेस ड्यू टू, या फिर इंटरनल नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस ड्यू टू इम्पैक्ट, ठीक है, क्योंकि ये जो इम्पैक्ट है या फिर ये जो कोलिजन है दिस इज फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ओके, सो आई कैन टर्न दिस एज एन इम्पैक्ट, ठीक है। और एक चीज, मैंने ये जो ग्राफ बनाए थे आपको लास्ट लेक्चर में ही बताना चाह रहा था लेकिन मैं भूल गया कहाँ पे गए, ये वाले जो ग्राफ है आपको याद होंगे, ये मैंने बोला था कि चार चीजें आपको हर एक पैरामीटर के बारे में बता देनी चाहिए, यूनिट, डेफिनेशन, स्केलर या वेक्टर और ये ग्राफ। तो इम्पल्स जो है ना ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसका ग्राफ कैसे होना चाहिए मैं बताता हूँ, इम्पल्स जो है दिस इज बाय नेचर यू नो फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, राइट, सो इसका ऐसा स्क्वायर ग्राफ नहीं आएगा, मान लो फोर्स ऐसा कुछ है और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ऐसा कुछ स्पाइक आ गया, ठीक है, सो देन दिस पार्ट यू नो व्हिच इज देयर फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये जो एरिया है दिस इज इम्पल्स, ओके, सो दिस एरिया विल रिप्रेजेंट इम्पल्स, एक छोटा स्पाइक जो आ गया है ना फॉर जस्ट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मान लो ये T1 है, ये T1 है, ये T2 है, दिस इज जस्ट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इसके लिए जो स्पाइक है वो सडन फोर्स, सो दैट इज टर्म्ड एज इंपैक्ट फोर्स, ठीक है, ओके। सो आई गेस दिस फ्री बॉडी डायग्राम इज क्लियर। अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो वापस हम लोग वही चीज, दो फॉर्मूला यूज करेंगे, एक तो क्या कहते हैं हम लोग न्यूटन फॉर्मूला फॉर इंपैक्ट और दूसरा है
अपना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है. सो या सो आई विल राइट दिस थिंग ऑल्सो, यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आप भी लिखो. आफ्टर कॉलिजन इन नॉर्मल डायरेक्शन ऑल द चेंजेस हैपन, ठीक है. नॉर्मल डायरेक्शन या फिर एक्स एक्सिस, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में लिखता हूँ. या फिर ग्रामेटिकली राइट लिखना है तो इन द एक्स डायरेक्शन या फिर डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस या फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन चेंजेस इन मोमेंटम एंड वेलोसिटी टेक प्लेस, ठीक है. मोमेंटम और वेलोसिटी ये जो है एक्स डायरेक्शन में चेंज होगी, ठीक है, वाई डायरेक्शन में नहीं होंगे, ठीक है. सो इन वाई डायरेक्शन नो चेंजेस कैन बी ऑब्जर्व्ड. ठीक है, क्यों नहीं? Why? Because there is no impulsive force in y direction. Or no impact force. ठीक है? Right ना? देखो x direction में जो है collision हो रहा है तो क्या होगा, momentum change होगा, मतलब u1 जो है for this mass 1 it will become v1 and for u2 for the mass 2 will become v2. तो वेलोसिटी चेंज हो रही है दोनों के लिए, इन विच डायरेक्शन, इन द एक्स डायरेक्शन, ठीक है. बट इन वाई डायरेक्शन यही इनिशियल वेलोसिटी है, यही फाइनल वेलोसिटी, ओके. यहाँ पे भी यही इनिशियल वेलोसिटी है, यही फाइनल वेलोसिटी. अब मोमेंटम, वेलोसिटी चेंज हो गई तो मोमेंटम भी चेंज होगा, ठीक है. सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ओके. सो नाउ वी विल यू नो अप्लाई दीज फॉर्मूलाज ऑल्सो, दोनों फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे जो हम सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है. अप्लाइंग conservation of linear momentum in x direction, ठीक है, ये याद रखना है, x direction में कर रहे, ठीक है. कैसे होगा ये देखो क्या होता है, पहले तो लिखते हैं m1 u1, लेकिन यहाँ पे x direction में क्या है, देखो हम जब पहले सॉल्व करते थे ना तो ये x डायरेक्शन में सीधा देते थे, x डायरेक्शन में ये वेलोसिटी है, ठीक है, 50, या फिर y डायरेक्शन में x डायरेक्शन में ये है 10 by 3, तो हम डायरेक्टली u1 के जगह पे हम लोग लिखते थे यू नो 10 by 3 और 50 by 3 माइनस 10 by 3 माइनस 50 by 3. लेकिन इस केस में देखो x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, हाँ, x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है इट इज u1 cos थीटा एंड u2 cos थीटा, तो हम लोग यही लिखेंगे, ठीक है. सो अभी फॉर्मूला ऐसे नहीं लिखेगा m1 u1 plus m2 u2, अभी ऐसे लिखेंगे u1 cos थीटा, ठीक है, cos थीटा 1 है ये भी, और फिर m2 u2 cos थीटा 2 इट इज इक्वल टू m1 v1 in x direction plus m2 v2
इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो ये है हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। दूसरा हम लोग अप्लाई करेंगे न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर इंपैक्ट। तो न्यूटन्स फॉर्मूला ऑफ इंपैक्ट क्या है? ई वाला, ठीक है। तो ई है माइनस ऑफ वी वन इन एक्स डायरेक्शन, ये भी सेम इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। सो वी वन एक्स माइनस वी टू एक्स होल बाय यू वन कॉस थीटा वन माइनस यू टू कॉस थीटा टू, ठीक है। सेम चीज है, ठीक है। तो ये दोनों हम लोग साइमल्टेनियसली, जो भी दो अननोन होंगे, कौन से दो अननोन होंगे, वी वन एक्स और वी टू एक्स, दोनों अननोन होंगे और दो इक्वेशंस है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख के देता हूँ जो सॉल्व करके आते हैं। अगर आप याद रख पाते हो वेरी गुड, नहीं रख पाते हो एक्सीलेंट, क्योंकि आप मेरे जैसे सॉल्व करोगे साइमल्टेनियसली और आपके चांसेस ऑफ गलतियाँ, सॉरी क्या कहते हैं उसको, चांसेस ऑफ बीइंग रॉन्ग कम हो जाएंगे, क्योंकि याद रखने का अपना ही रिस्क है अलग, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? डायरेक्ट रिजल्ट्स फॉर वी वन एंड वी टू। वी वन एक्स क्या होता है इसमें देखो, एम वन माइनस ई एम टू, ई वही है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, अपॉन एम वन प्लस एम टू मल्टीप्लाइड बाय यू वन कॉस थीटा वन प्लस एम टू वन प्लस ई अपॉन एम वन प्लस एम टू इंटू यू टू कॉस थीटा टू, ठीक है। और वी टू एक्स के लिए है एम वन वन प्लस ई अपॉन एम वन प्लस एम टू यू वन कॉस थीटा वन प्लस एम टू माइनस ई एम वन होल बाय एम वन प्लस एम टू मल्टीप्लाइड बाय यू टू कॉस थीटा टू। हो ये लिखने ही मेरे पसीने छूट गए। तो याद कैसे करोगे? सो दैट्स अप टू यू। इफ यू वांट टू रिमेम्बर दिस यू कैन रिमेम्बर दिस, या फिर ये दोनों इक्वेशंस यू नो साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं यू वी वन एक्स क्या है, वी टू एक्स क्या है, ठीक है। सो इट्स लाइक अप टू यू हाउ यू डू इट, ठीक है। सो हमने कंप्लीट की है ऑब्लिक कोलिजन की थियरी। आई गेस आपको सब कुछ समझ में आया है, ठीक है। अगर आपको डाउट हो यू कैन स्टिल आस्क मी, बट आई गेस मोस्ट ऑफ यू अंडरस्टूड। जिनको सारे बेसिक्स वगैरह क्लियर है उन्हें तो ये समझा ही होगा। मुझे थोड़ा डाउट है किसी को, ये शायद जो मैंने यू नो कंपोनेंट्स फाइंड आउट किया इसमें डाउट हो सकता है, नहीं हो एक्सीलेंट, अगर होता है तो यू कैन जस्ट टेल मी। लेकिन हमने ये चीज़ की थी यू नो कंपोनेंट्स फाइंड आउट किए थे अभी, टेंशन का जो क्वेश्चन किए थे, यू नो फोर्स के जो फोर्स एनालिसिस के क्वेश्चन किए थे उसमें हमने किया था ये। सो आई गेस यू हैव अंडरस्टूड दिस। सो या ओके देन वी आर डन विद द थियरी एंड वी विल ट्राई एंड सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स देन। तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। दोनों में आपको होमवर्क के लिए दूंगा और हिंट्स देता हूँ, ठीक है। ट्राई टू सॉल्व इट।
थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। या तो देखो क्वेश्चन वन है, ये होमवर्क के लिए दोनों क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन वन में उन्होंने कहा, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ आपके लिए। टू आइडेंटिकल बिलर्ड बॉल्स आर इन कॉन्टैक्ट प्लेस्ड ऑन अ टेबल, अ थर्ड आइडेंटिकल बॉल स्ट्राइक्स देम सिमेट्रिकली एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर इम्पैक्ट, द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज, फाइंड आउट करना है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ, टू आइडेंटिकल पिलर्ड बॉल्स, मतलब स्नूकर खेलो खेले हो कभी तो वही बॉल्स है ये, ओके, आर इन कॉन्टैक्ट प्लेस्ड ऑन अ टेबल अ थर्ड आइडेंटिकल बॉल स्ट्राइक्स देम सिमेट्रिकली एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर इंपैक्ट। You have to find the coefficient of restitution. Okay, the coefficient of restitution is option B है, A 2/3, B है 1/3, सी है 1/6 और डी है √3/2। ठीक है, तो ये ऑप्शंस है। मैं आपको हिंट देता हूँ, जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, मैं आपको बना के देता हूँ। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो देखो बिफोर कोलिजन कुछ ऐसे होगा, आइडेंटिकल बॉल्स है मतलब इनका मास सेम है। ठीक है, सो एम मास लेते हैं, और इनिशियली ये एक बॉल है जो ट्रैवलिंग है वेलोसिटी यू। ठीक है, और दो बॉल्स है विच आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, इसका भी मास एम है, इसका भी मास एम। नाउ आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ये जो बॉल है ना ये कोलाइड होके यहाँ पे रुक जाएगी। ठीक है, और ये दोनों बॉल ट्रैवल करने लगेगी। ठीक है, सो आफ्टर कोलिजन देखो ये यहाँ पे रुक गई और ये दोनों बॉल ट्रैवल करने लगे। ठीक है, सो दिस विल ट्रैवल इन दिस डायरेक्शन। अभी ये एंगल कौन से है ये मैं दिखाता हूँ कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, सी अपॉन कोलिजन जो है ना, अगर ये बॉल यहाँ प्लेस्ड हो गई एकदम ऑन कोलिजन। ठीक है, सो यू कैन इमेजिन नाउ द सेंटर्स ऑफ दिस बॉल्स, you know, if you join them, it makes an equilateral triangle. Okay, ये होता है, this is common sense. When you join three balls which are symmetrical, ठीक है, which are exactly same in their size, तो फिर उनके centers अगर join करोगे तो क्या बनेगा, एक equilateral triangle बनेगा। ठीक है, तो ये equilateral triangle जो होता है, ठीक है, इसको अगर आप ऐसे axis पे एक लगाओगे तो ये angle होता है 30 degree, ये एंगल होता है 30 डिग्री। ठीक है, आई होप यू आर एबल टू सी। ठीक है, तो 30 डिग्री, तो फिर अगर ये बॉल्स ट्रैवल करेंगे आफ्टर यू नो बीइंग आफ्टर कोलाइडिंग, सो इट विल ट्रैवल इन दिस डायरेक्शन इटसेल्फ। ठीक है, ठीक है, सो इसका ये एंगल क्या होगा, ये एंगल क्या होगा, विल बी 30 डिग्री, और ये एंगल क्या होगा, इस पे
it will be 30 degree. Okay, so this is the main crux of the, you know, the question. ठीक है, तो ये पार्ट है आफ्टर कोलिजन और ये पार्ट है बिफोर कोलिजन. ठीक है, तो अभी आपको तो पता है, देखो इसको मैं अगर बोलूंगा मास वन, हालांकि सब मासे सेम है, तो इसको बोलूंगा ऑब्जेक्ट वन, इसको बोलता हूँ ऑब्जेक्ट टू, इसको बोलता हूँ ऑब्जेक्ट थ्री. ठीक है, तो ये क्या होगी इसकी फाइनल वेलोसिटी ऑफ टू, और ये क्या होगी फाइनल वेलोसिटी ऑफ थ्री. तो अभी आपको अप्लाई करना है दो फॉर्मूलास. ठीक है, कौन से? पहले तो आपको अप्लाई करना है न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर इम्पैक्ट. क्या है ये फॉर्मूला? E इज इक्वल टू माइनस V रिलेटिव कोई भी दो ऑब्जेक्ट में, ठीक है, अपॉन U रिलेटिव अमंग्स एनी टू ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, इधर वन और टू और वन और थ्री. ठीक है, टू और थ्री में मत अप्लाई करना बस, क्योंकि दे आर नॉट कोलाइडिंग, वन इज कोलाइडिंग विद बोथ ऑफ देम. ठीक है, सो हमें अप्लाई करना है इन आइदर वन और टू और वन एंड टू और वन एंड थ्री. ठीक है, और दूसरा हमें अप्लाई करना है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. ठीक है, तो ये तीनों में अप्लाई होगा. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू प्लस एम थ्री यू थ्री, जैसे मैंने पहले भी कहा था, इज इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू प्लस एम थ्री वी थ्री. ठीक है, तो ये अप्लाई करने के बाद आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है ई जो है मिल जाएगा. ठीक है, ट्राई टू सॉल्व इट, अगर नहीं होता है हम अगले क्लास में तो करेंगे, लेकिन आई वॉन्ट यू टू ट्राई ऑन योरसेल्फ, ट्राई बाय योरसेल्फ. ठीक है, और ये क्वेश्चन टू है होमवर्क का. सो यू हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉल एंड direction of the ball, direction of the speed of ball, should say speed नहीं होगा, velocity होगा, यहाँ पे भी velocity होना चाहिए, या फिर magnitude of velocity. ठीक है, the of ball after collision with ground. ठीक है, और बॉल कुछ ऐसा है देखो, और इसकी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, ठीक है, दिस इज लाइक 37 degrees. ठीक है, 37 डिग्री, और ये वेलोसिटी डी है 10 मीटर पर सेकंड. ठीक है, ये ग्राउंड है. ठीक है, और एक चीज इसमें इन्होंने दी है हमें, दे हैव गिवन अस कि अज्यूम collision to be inelastic with E
इज इक्वल टू 0.5, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन उन्होंने दिया है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं, आपको इसकी वेलोसिटीज पता है, यू नो u1 पता है आपको, ठीक है। और इसका जो है मतलब ग्राउंड, अगर देखो हमको दो ऑब्जेक्ट ही अज्यूम करने, एक तो ये बॉल है, दूसरा अर्थ, तो इसको दूसरा ऑब्जेक्ट अज्यूम करना है, ठीक है। तो ये बॉल है, ये अर्थ है, तो अर्थ की जो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी जो है इसको जीरो अज्यूम करना है, ठीक है। और ऐसे पूरा क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो इससे आपको आफ्टर कोलिजन की बॉल की वेलोसिटी पता लग जाएगी, ओके। बहुत इजी है, इसमें आपको एक ही फॉर्मूला यूज करना है, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर इंपैक्ट, ठीक है। सो आई गेस वील स्टॉप हियर, यू ट्राई टू सॉल्व इट, दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं होते तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। बट यू पुट इन योर माइंड, थोड़ा एफर्ट करो, ठीक है। जब तक आप एफर्ट नहीं करोगे तब तक सोल्यूशन आपको स्वीट नहीं लगेगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू लर्न मेनी न्यू थिंग्स, और ऑब्लिक कोलिजन आपको अच्छे से समझ में आए, ओके। हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।